हेलो फ्रेंड्स, सामने आपके है ये मारुति सुजुकी बलेनो। ये आपका 2022 न्यू मॉडल है। तो यहाँ से लुक आप लोग देख सकते हैं। गाड़ी के हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है वो आपका 9,34,385 रुपये ऑन रोड प्राइस आपका इस गाड़ी का मिल जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, प्यारा सा लुक मिलता है गाड़ी का। और यहाँ पर गाड़ी में अगर हम लोग कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 6 कलर ऑप्शन टोटल आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपका ये होगा आपका ब्लू कलर। तो यहाँ से लुक आप लोग देख सकते हैं। और गाड़ी के अगर वेरिएंट की बात करें तो ये आपका है जीटा वेरिएंट मैनुअल में। तो यहाँ पर लुक देख सकते हैं गाड़ी का, बहुत ही प्यारा देखने को मिल जाता है, ये आ जाएगा। और गाड़ी में इंजन आपको मिल जाता है 1197 सीसी का, जो कि आपको 88.50 bhp की पावर जनरेट करता है। इस गाड़ी को बहुत ही पावरफुल बनाता है और माइलेज में भी ये गाड़ी आपकी पीछे नहीं रह जाती है। इसका माइलेज जो है आपको 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है लुक गाड़ी का पूरा आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है जो इसमें दिया गया है, बहुत ही सिंपल और कूल डिज़ाइन दिया जाता है, जो कि ऑसम लगता है। बहुत ही ज़्यादा आपको डिज़ाइनफुल गाड़ी लगती है और बहुत ही प्यारा सा लुक इसको देखने को मिलता है। तो ये आता है पूरा आपका फ्रंट का लुक गाड़ी का, तो इस तरीके का देखने को मिलता है। गाड़ी में हम लोग डिस्कस करते हैं फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो है बोनट का डिज़ाइन, ये आपको प्लेन में मिलता है, इस तरीके का मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आता है ग्रिल, तो न्यू ग्रिल है आपकी गाड़ी में, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये आपका न्यू ग्रिल का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ब्लैक फिनिश में ये आपको मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ बटरफ्लाई डिज़ाइन देखने को मिल जाता है इस तरीके का। और यहाँ पे क्रोम फिनिश में सुजुकी का लोगो मिल जाता है बड़ा सा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने को। और ये जो फ्रंट का लुक है बम्पर का, ये मिलता है यहाँ पर ब्लैक कलर का, ये जो है ब्लैक डैश मिल जाता है पूरा। और यहाँ पर जो गाड़ी में मिल जाता है साइड में, यहाँ पर मिलेंगे फॉग लैम्प का ऑप्शन, यहाँ पे आप लोग एक्सटर्नली लगवा सकते हैं। क्रोम फिनिश का वर्क यहाँ पर मिलता है। और ये आ जाते हैं गाड़ी का हेडलैम्प्स का पार्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाएगा प्रोजेक्टर में हेडलैम्प्स आपको मिलता है। और यहाँ पर DRLs मिल जाते हैं, 3 ये DRLs आपको मिल जाएंगे जो कि LED में आपको मिलते हैं। और यहाँ पर गाड़ी में मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, तो ये पूरा इसमें लुक मिलता है। और जो ग्रिल है यहाँ पर, जो इसमें क्रोम फिनिश का वर्क है, ये बहुत ही अच्छा लुक देता है गाड़ी को। तो यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी अगर आप लोग देखने के लिए विजिट करना चाहते हैं तो आप लोग अकबरपुर KTL शोरूम आके विजिट कर सकते हैं और गाड़ी की इंक्वायरी ले सकते हैं और गाड़ी को देख भी सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के जो एक्सटीरियर पार्ट है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो आता है साइड का लुक पूरा, यहाँ पर देख सकते हैं ये आ जाता है गाड़ी का अलॉय व्हील, जो कि सिल्वर फिनिश में आता है। डिज़ाइन बहुत ही अच्छा मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। और यहाँ पर जो व्हील साइज है, तो इसमें देख सकते हैं 16 इंचेस का व्हील साइज जो है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आएगा पूरा लुक गाड़ी का। और यहाँ से जो आता है साइड प्रोफाइल, तो ये आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का साइड प्रोफाइल पूरा देखने को मिलता है इस तरीके की। इतनी ये गाड़ी देखने मिलती है, लग्जरी फील आता है गाड़ी में और लग्जरी लुक भी दिया जाता है गाड़ी को। और यहाँ पर जो आपके आ जाते हैं ORVM, ये आपके आते हैं बॉडी कलर में। यहाँ पर विद टर्न इंडिकेटर, जो कि आपको ऑटो फोल्ड फीचर के साथ में मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर गाड़ी में मिल जाते हैं डोर हैंडल, जो कि क्रोम फिनिश में मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है गाड़ी में, ये आएगा। और की से भी एंट्री आपको मिलती है। जो बैक का है डोर का लुक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्रोम फिनिश में डोर हैंडल आपको मिलेंगे। और यहाँ पर ये क्वार्टर ग्लास छोटा सा आपको देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा मिलता है लुक जो आता है डिज़ाइन का। यहाँ पर गाड़ी में ये देख सकते हैं, तो ये आपको मिलता है क्रोम फिनिश, पूरा ये क्रोम फिनिश मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आएगा, हो सकता है गाड़ी में थोड़ा शोर आ रहा हो क्योंकि ये हाईवे जस्ट बगल में ही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो गाड़ी का है, ये आता है रियर प्रोफाइल इस तरीके का, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे गाड़ी का रियर प्रोफाइल, तो ये आपको देखने को मिल जाता है पूरा। यहाँ पर डिज़ाइन जो है रियर का इस तरीके का गाड़ी का आ जाता है। और यहाँ पर रियर में क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आपको ये जो मिल जाता है क्रोम फिनिश का वर्क यहाँ पर मिलता है गाड़ी में। और इस जगह आपको मिल जाता है ये आपको कैमरा यहाँ पर बैक में, यहाँ पर सुजुकी का क्रोम फिनिश में लोगो मिलता है। और इस जगह आती है गाड़ी में टेल लैम्प, तो टेल लैम्प का डिज़ाइन जो है इस तरीके का आपको पूरा मिलता है। इतना गाड़ी का पार्ट जो है आपका ब्लिंक होता है टेल लैम्प का। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिलता है, रिवर्स पार्किंग लाइट इस जगह आपको मिल जाती है, ये आएगा। और यहाँ पर जो नेक्सा का स्टिकर यहाँ पे बैक वाले ग्लास में मिलता है, ये बैक का लुक है पूरा। यहाँ पे डिफॉगर्स आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये जो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलता है, ये आपको देखिए एंटीना मिल जाता है, रेडियो एंटीना आप बैक साइड में ये चीज़ देखने को मिल जाती है। और गाड़ी में यहाँ पर देख सकते हैं, तो बलेनो की क्रोम फिनिश में लेफ्ट साइड में आपको बैजिंग ये देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर जो गाड़ी का लुक है ये देख सकते हैं, ये पूरा मिलता है। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर्स हैं, तो ये डिज़ाइन देख सकते हैं, ये आपको मिल जाते हैं। और गाड़ी में 4 जो है रिवर्स पार्किंग के सेंसर आपको देखने को
मिल जाएंगे। तो ये लुक आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरा देखने को मिल जाता है। और गाड़ी में यहाँ था फ्यूल टैंक का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको मिलता है रेक्टेंगल सिर्फ डिज़ाइन मिलता है, और ये आपको 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में गाड़ी मिल जाती है। तो ये आएगा पूरा यहाँ पर लुक जो है। और अभी हम लोग चलेंगे गाड़ी के अंदर और वहाँ पर देखेंगे इंटीरियर का लुक, वो क्या क्या देखने को मिल जाता है वो हम लोग सारा देखेंगे। यहाँ से आपको दिखा देते हैं गाड़ी की कीज़। तो ये आपको दो कीज़ देखिए मिल जाएंगी, दोनों पावर कीज़ मिलती है। यहाँ पर सुजुकी का क्रोम फिनिश में लोगो होगा, ब्लैक कलर की है, और इसमें आपको दो बटन दिए जाते हैं लॉक और अनलॉक का। जैसे इसको देखिए अनलॉक करते हैं, तो अनलॉक करने के बाद भी देखिए टर्न इंडिकेटर ऑन होता है। और ये जो है ORVM है, इसके ऑटो फोल्ड फीचर है, तो इसको अभी हम लोग जैसे बटन प्रेस करेंगे तो वो आपको लुक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से डोर को ओपन कर दिया है और यहाँ पर जो लुक देख सकते हैं गाड़ी का मिल जाता है, यहाँ पे आ जाता है ये पूरा डोर का लुक इस तरीके का देखने को मिलेगा, ये डिज़ाइन आएगा। और यहाँ पर जो ब्लू कलर का है लेदर फिनिश वर्क आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, ये चीज़ देखिए यहाँ पर मिल जाती है, ये लेदर फिनिश का वर्क यहाँ पर मिल जाता है। और ये क्रोम फिनिश में अनलॉक का बटन मिलता है, यहाँ पर ब्लैक डैश पूरा वर्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये मिलेगा। और यहाँ पर ये जो है पियानो ब्लैक कलर का वर्क इस जगह आपको पूरा देखने को मिलता है, पियानो वर्क मिलेगा यहाँ पर, ORVM मिलता है। और ये देखिए बटन मिल जाती है जिससे आपको ORVM ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे बटन हम लोग प्रेस करते हैं तो ये आपके ORVM है यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, और जैसे बटन प्रेस करेंगे तो ORVM आपके ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। तो ये बटन आपको मिलता है, क्रोम फिनिश में अनलॉक का बटन है, ब्लू कलर का पूरा डैश का ये वर्क यहाँ पर मिलता है, ये आपका जो है लेदर फिनिश इस जगह आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी में, ये आएगा। और यहाँ पर फाइल स्टोरेज है, यहाँ बॉटल स्टोरेज है, यहाँ पर आपको स्पीकर स्टोरेज, स्पीकर यहाँ पर देखने को मिलता है। ट्विटर गाड़ी में यहाँ पर आपको देखने को एक मिल जाएगा, ये आपका ब्लैक कलर का वर्क है। और जो इंटीरियर का लुक है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये इंटीरियर का डिज़ाइन है पूरा आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है ये। और यहाँ पर जो सीट्स हैं इसको देख सकते हैं, ये आपको सॉफ्ट टच में सीट्स मिलती हैं, ये सॉफ्ट में मिलेगा। हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर मिल जाता है, और ये सीट फोल्डिंग का फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं गाड़ी में। और हम लोग बैठ के देखते हैं गाड़ी में तो क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो सारे हम लोग देख लेते हैं। तो अभी डोर को करेंगे हम लोग क्लोज़, और यहाँ पर देखेंगे जो लुक है पूरा ये मिल जाता है। और ये आएगा पूरा यहाँ पे स्टेयरिंग का लुक इस तरीके का, ये ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम के देखिए मोड्स मिल जाते हैं, यहाँ पे म्यूट का बटन है, और इस जगह आपको कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट का फीचर मिल जाता है, यहाँ पे वॉइस कंट्रोल भी है, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पर देखने को। यहाँ पर देखिए तो ये आपको क्रोम फिनिश मिल जाता है, सुजुकी का क्रोम फिनिश में लोगो है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये आपको मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा इस तरीके का मिल जाएगा, लेफ्ट में RPM मिलता है, यहाँ पे MID मिलती है, डिस्टेंस किलोमीटर सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको 220 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल जाती है। तो ये पूरा लुक मिलता है गाड़ी में। और यहाँ पर एयरबैग मिलता है, यहाँ पर विंडल रहता है, 6 एयरबैग आपको गाड़ी मिल जाते हैं, जो कि आपकी सेफ्टी का फीचर्स का ख्याल काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है यहाँ पर। और ये आपको देखिए यहाँ पर पूरा ब्लू कलर का ये आपको वर्क दिया जाता है, गाड़ी आपकी ब्लू कलर है तो यहाँ पर ब्लू कलर का वर्क दिया जाता है। और यहाँ पर ये देखिए ग्रे फिनिश है, तो ये आपको ग्रे फिनिश में यहाँ पर वर्क दिया जाता है। 7 इंच की टच स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल जाती है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले फीचर सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और वॉल्यूम के जो बटन है, कंट्रोल है, ये सारे बटन मिल जाते हैं यहाँ पर, कॉल कनेक्ट फीचर है, म्यूजिक का है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये टच स्क्रीन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे सारा लुक आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आएगा ये आएगा पार्किंग लाइट का बटन, ये दो AC के वेंट्स यहाँ पर है, सिल्वर फिनिश का वर्क है यहाँ पर। राइट साइड में ब्लैक पियानो का वर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये मिलेगा इस जगह। और यहाँ पर फैन कंट्रोल है, डैशबोर्ड जो है आपको इस तरीके का मिल जाता है, पूरा ब्लैक कलर का मिल जाएगा, ये आएगा। और जो साइड वाला डोर है इसका लुक आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके का, ये आ जाएगा पूरा। और यहाँ पर गाड़ी में देख सकते हैं तो AC के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक शाइनिंग ग्लास में मिल जाएगा, तो ये आपको देखने को मिल जाता है पूरा। यहाँ पे AC के जो बटन से मिल जाएंगे यहाँ पर सारे, और इस जगह आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे USB पॉइंट आपको मिल जाता है, इस जगह मोबाइल स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ पे दो कप होल्डर आपको मिल जाएंगे गाड़ी में, फाइव गियर बॉक्स मिल जाते हैं, लेदर फिनिश का वर्क है। यहाँ पे क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है बटन के साथ में, यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, तो ये आपको एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलेगा, छोटा सा मिल जाता है इसको आप लोग, स्टोरेज भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, ये स्टोरेज आ जाएगा। तो ये चीज़ मिलती है गाड़ी में पूरा आपको। और यहाँ पे आपको आ जाता है सनवाइजर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ जाएगा सनवाइजर विथ वेंटी मिरर। यहाँ पे दो आपको लैंप लाइट देखिए मिल जाती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वॉइस कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएगा, ये IRVM मैनुअली एडजस्टेबल आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये आता है गाड़ी का ग्लव बॉक्स, बड़ा सा ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाएगा ये, और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो है इस जगह स्टोरेज भी आप लोग कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं थोड़ा बहुत, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सारा लुक जो है आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है
टिल्ट स्टेयरिंग का कॉलम भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो ये देख सकते हैं। तो इसको स्टेयरिंग को आप लोग एडजस्ट अपने हाइट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये आपको मिल जाता है राइट साइड में। ये क्रोम फिनिश सर्कल डिज़ाइन है, यहाँ पे ये मिल जाते हैं। यहाँ पे बोनट ओपनिंग का बटन है, फ्यूल टैंक ओपनिंग का बटन है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और अभी हम लोग चलते हैं बैक वाली सीट में, तो वहाँ पर देखते हैं लुक क्या देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग बैक वाली सीट का लुक पूरा। तो यहाँ पर डोर को ओपन करते हैं, और जो बैक वाले डोर का लुक है तो ये आपको देखने मिल जाता है, इस तरीके का मिलेगा। डुअल डोर में मिलता है, ये ब्लैक फिनिश है, और यहाँ पे ब्लू कलर का फिनिश, लेदर फिनिश आपको मिल जाता है। ब्लैक पियानो का यहाँ पे वर्क है ये पूरा, और यहाँ पे मिरर का कंट्रोल मिल जाता है। इस जगह बॉटल स्टोरेज, यहाँ पे कुछ भी स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा, और इंटीरियर का जो लुक है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिल जाता है। क्रोम फिनिश का बटन इस तरीके का मिलेगा। सीट्स आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पे सॉफ्ट टच में सीट्स मिल जाती हैं, और जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं बोथ आपको देखने को मिल जाते हैं, ये चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे स्पेस देखते हैं बैठ के, तो यहाँ पर गाड़ी का जो स्पेस है तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस गाड़ी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। कंफर्टेबली 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और या इवन 4 लोग भी इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 AC के वेंट्स मिल जाते हैं बैक में इस तरीके के। यहाँ पर देखिए 2 USB पॉइंट मिल जाते हैं, 1 Type-C का पॉइंट मिल जाता है। तो ये चीज़ मिलती है पूरी गाड़ी में, इस तरीके का लुक आता है। शॉर्ट फोल्डिंग में ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर देख सकते हैं तो ये बोथ साइड में ये चीज़ देखने को मिल जाती है, पूरा लुक आ जाएगा। और बैक में आपको एक पार्सल ट्रे मिल जाएगी, तो ये लुक आपको देखने को मिल जाता है। 60-40 का स्प्लिट जो इसमें कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। चलिए गाड़ी का बूट आपको दिखाते हैं। एक लैंप लाइट जो है यहाँ पे मिड में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए बूट चेक कर लेते हैं, तो गाड़ी का बूट हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पर देखते हैं बूट कितना है। तो बैक में देखेंगे हम लोग, तो बूट का स्पेस देखेंगे, यहाँ पर ये पूरा इस तरीके का लुक आ जाता है। यहाँ पे ये क्लोज में आएगा, ये ग्रैब आपको मिल जाता है, और यहाँ पे बूट स्पेस जो है आपको 318 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। इस जगह आपको एक लैंप लाइट मिल जाती है, यहाँ पर एक हुक मिल जाएगा, तो ये पूरा लुक आ जाता है गाड़ी का। और यहाँ से इसको अभी हम क्लोज करते हैं, एक बार आपको डिज़ाइन दिखा देते हैं गाड़ी का क्या मिल जाता है। यहाँ से लुक आपको दिखा सकते हैं, और यहाँ से आपको फ्रंट का लुक दिखा देंगे एक बार, क्या देखने को मिल जाता है वो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ से गाड़ी का जो लुक है इस तरीके का आपको मिल जाता है पूरा डिज़ाइन। इस तरीके की गाड़ी हमारी दिखती है, बहुत ही प्यारी लगती है। तो गाड़ी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर कार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।